नौकरी के इंतजार में बैठे बिहार के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, जिसकी वानगी बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान दिखी। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर विवादों में चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग के बजट सत्र पर बोलते हुए सदन में ये दोहराया है कि बिहार की महागठबंधन वाली सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया था, हम उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की, उसके मुताबिक 2022 के तहत प्राथमिक शिक्षकों के 42,000 पदों पर नियुक्ति जारी है। वहीं मध्य विद्यालय में 2500 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। इसके अलावे माध्यमिक उच्च विद्यालय में 2716 शिक्षकों और 369 प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। दो हजार 2023 और 2024 में प्रारंभिक विद्यालय में 80,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वहीं प्रारंभिक विद्यालय में 9500 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक उच्च विद्यालय में 1,30,000 शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय में 40,506 प्रधान शिक्षक और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 6,000 प्रिंसिपल, तो 7306 कंप्यूटर शिक्षक, उर्दू फारसी शिक्षकों के लिए टीईटी एसटीईटी के जरिए 26,500 शिक्षकों की बहाली होगी। जाहिर है कि शिक्षा विभाग ने ये महत्वपूर्ण घोषणा कर उन युवाओं में खुशी की लहर भर दी है जो रोजगार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि हमारा मकसद रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की कोशिश भी है। इसके साथ ही मेरी कोशिश है कि नई नियमावली शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाए, जिससे किसी भी तरह से विवाद की गुंजाइश ना हो। तो बता दें आपको कि वाकई ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि नौकरी के इंतजार में कई हज़ार शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनका बस एक ही कहना है कि जिस तरह से सरकार ने लगातार वादे किए थे, वो वादे अब पूरे क्यों नहीं किए जा रहे, क्योंकि लगातार वो बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। ऐसे में बिहार के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, जिसकी वानगी बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिखाई दी। बीते कुछ दिनों से बिहार के शिक्षा मंत्री हालांकि जो हैं वो बयानों को लेकर विवादों में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग के बजट सत्र पर बोलते हुए सदन में ये दोहराया है कि बिहार की गठबंधन वाली सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया था, हम उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। बता दें आपको कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की, उसके मुताबिक बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो वादे जो हैं उसको सरकार भूली नहीं है, उस पर अमल किया जा रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे पद जो हैं वो सृजित किए जा रहे हैं और ऐसे में खाली पदों को जो है वो भरने का काम लगातार जारी है। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें जो है वो साझा की है और तमाम बातें जो है उन्होंने कह डाली है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि हमारा मकसद जो है वो रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन भी करना है। इसके साथ ही उनकी कोशिश है कि नई नियमावली शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाए, जिससे किसी भी तरह से विवाद की गुंजाइश ना हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाजें उठाते नजर आए हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन भी किया, इसको लेकर
उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगी उसमें इस तरह की गुंजाइश का अब कोई जगह ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि नियमावली शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाएगी जिससे किसी भी तरह से विवाद की गुंजाइश ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।